गुड मॉर्निंग। चलिए बाहर का नज़ारा लेते हैं। ये है विंडो और ये बाहर का नज़ारा। इट्स कम्प्लीटली वाइट। The fog in Agra is so dense that you just can't see anything, and it is 8:30 in the morning. Good morning. Welcome to episode 4 of our drive from Kolkata to Agra. तो अभी हम लोग होटल से निकले हैं एंड वी आर गोइंग टू गो अराउंड आगरा लिटिल बिट। अभी तक प्लान नहीं किया कहाँ जाएंगे, तो चलिए पहले वी आर गोइंग टू ट्राई द ताज महल। इफ़ इट्स नॉट टू क्राउडेड वी आर गोइंग टू गो इन, एल्स विल चेक आउट अदर प्लेसेस। सो लेट्स सी, स्टे विथ अस एंड एंजॉय दिस व्लॉग। कम लेट्स गो। तो सुबह आपको होटल के विंडो से दिखाए कि इट वाज कम्प्लीटली फॉगी, राइट? So we had to wait till the fog cleared, and now we have started. पहले हम जाएंगे इधर एक laundry का location है. We have some bulk laundry to give. Alright, so अभी हम लोग ताज ईस्ट गेट की तरफ जा रहे हैं. दैट इज वेयर वी हैव टोल्ड टू गो, वी हैव बीन टोल्ड टू गो रादर, एंड वी विल पार्क आवर कार वेयर देयर इज द ऑफिशियल पार्किंग एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स ताज ईस्ट गेट. एज वी नियर्ड द ईस्ट गेट, आगरा ट्रैफिक कॉप्स स्टॉप्ड अस बिफोर द ऑफिशियल पार्किंग. Owing to it becoming full with the excessive traffic rush, and directed us to this makeshift parking on a ground nearby. So if you are coming driving here and bringing your car, this is the east gate. यहाँ पे parking है. You can park your car and then walk towards the Taj. So let's go. Just outside the parking, there are these curio shops as you walk down to the east gate. We bought some magnets and other souvenirs for gifting purposes. Agra is famous for stonework and marble inlay, like how it is as decorations on the Taj Mahal. ओपन वाला तो ईस्ट गेट के पास अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, एनी आर्टिफैक्ट्स दैट यू वुड लाइक टू कैरी होम और गिफ्ट समबडी, यू कैन ऑलवेज ट्राई दिस शॉप. आपका शॉप का नाम? अजीज हैंडीक्राफ्ट. अजीज हैंडीक्राफ्ट, ताजमहल पूर्वी गेट, किलोग्राम पार्किंग, VIP पार्किंग. ठीक है, थैंक यू. तो फ्रॉम द पार्किंग you have to walk 1 kilometer to the Taj Mahal. So let's go. Previously you could take a horse buggy, but now they are a rarity. So we took a guide and a battery buggy. तो अगर आप कार से आ रहे हो, the best is to reach East Gate parking. At the parking itself, you will get guides at official rates. It is advisable to take a guide, as the guide will help you in online booking, quick transport to East Gate on electric buggy, and then guide you to enter through the fastest queue. Besides the added advantage of telling you all the historical inputs and clicking your memories from the best angles. the government guide, and which is for 1800. And if you are not taking the government guide, then this is the kind of line that you will be facing. और भी दो गेट हैं, एक आपका साउथ गेट है, एक आपका वेस्टर्न गेट है। वहाँ पे इससे भी ज़्यादा लंबा लंबा लाइन है, क्योंकि ये जो गेट है ये वीवीआईपी गेट है। ताजमहल के लिए मेमोरी के लिए यहाँ पे कुछ फोटोज लगाए गए हैं। ताजमहल जो है वो आपका 1860 में 1860 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर टेकिंग में आया था। उसके बाद का ये 1862 का पहला पिक्चर्स है, जिसमें कि फ्लोर काफ़ी गंदे होते थे, पेड़ काफ़ी ऊंचे होते थे। ताजमहल का दूर से देखने पे प्रॉपर्ली व्यू नहीं होता। अभी यहाँ से आप ईयर बाई ईयर ताजमहल का मेंटेनेंस देखते हुए चलेंगे तो अभी के टाइम में ये जो ताजमहल है इसका जो मेंटेनेंस जो आपका किया जाता है वो आपका ताजमहल को जो बनाया उस ज़माने में 20,000 वर्कर्स लोगों ने इन्हीं की सेम डिसेंडेंट्स फैमिली 17 डिसेंडेंट्स फैमिलीज आज के टाइम में भी इस काम को करती है एज अ प्रॉपर्ली मेंटेनेंस। जैसे कोई भी गार्डन्स, कोई भी स्टोन्स कहीं से खराब हो गया, गल गया, निकल गया, उसको रिप्लेस करके वहाँ पे नया स्टोन लगा। यहाँ से आप देखिए जो बिल्डिंग है इसके अंदर में ये आपका मेन मौजोलियम है। इसके अंदर शाहजहां का, मुमताज़ का दोनों का टोम है। ये जो बिल्डिंग है ये आपका रॉयल मॉस्क है, शाही मस्जिद सेम एज इट इज। यहाँ पे बना हुआ ये आपका रॉयल गेस्ट हाउस है, शाही मेहमान खाना। पीछे में आप देखेंगे ये आपका यमुना नदी, लास्ट में आप देखेंगे ये आपका गार्डन मेहताब बाग। फोटोग्राफी के लिए बेस्ट पॉइंट सेंटर पॉइंट, गार्डन बेंच और मैन एंट्रेंस। यहाँ से काफ़ी खूबसूरत फोटोग्राफी होती है, जिसमें कि अंदर प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो हैं वो काम करते हैं, वो फैमिली के अच्छे अच्छे फोटोज निकालते हैं। ठीक है, स्टोन जैसे गल गया, खराब हो गया, निकल गया तो उसको रिप्लेस करके वहाँ पे नया स्टोन्स लगा देते हैं। ताजमहल के अंदर में आप जाएंगे तो कहीं कहीं आपको नया स्टोन्स देखने को मिलेगा। जितना भी जो स्टोन्स है वो सब रिप्लेस किया गया है। जो आपका मटेरियल है वो सारा कुछ वहीं से लाया गया है, यहाँ से भी पहले ताजमहल के अंदर काम करने के लिए जो स्टोन है इसको लाया गया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ स्टोन्स यहाँ से मिस हैं, उसको रिप्लेस करके वहाँ पे नया लगा दिया है ना। ये सैंडस्टोन है ना, ये सब रेड सैंडस्टोन। कहाँ से लाते हैं ये वाला जो पत्ता है? ये आपका धौलपुर से मंगवाया गया है, जो कि राजस्थान का भाग है। यहाँ से देखिए ये आपका फतेहपुर सिकरी है, ये आगरा फोर्ट है, 35 किलोमीटर दूर है। ये आपका आगरा का फोर्ट है जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। मुगलों के टाइम में जो फैमिलीज थी वो इसी के अंदर रहते थे, खाना पीना सोना सबका आगरा फोर्ट के अंदर। ये आपका एकदम अकबर का टॉम है, सिकंदर। जो बिल्डिंग है ये आपका एतमाद दौला है, बेबी ताज, चीनी का रोजा जो कि शाहजहां ने बनाया। ये आपका आरामबाग, मेहताब बाग बावन ने बनवाया, जो कि आपको पीछे से दिखाएंगे। ये आपका मैयर तो कुछ मॉन्यूमेंट्स और गार्डन्स यहाँ पे बनवाए। The first landmark that we arrive at is Darwaza-i Roza. It is an imposing red sandstone structure with marble inlay work. This is also a beautiful place to click some memories. As one enters from Darwaza-i Roza, the image of Taj Mahal appears to magnify as you take your steps forward. As you enter, the benches outside the gate have borne witness to many world leaders clicking their memories with the Taj. So we are finally inside the Taj Mahal, and let me give you one important information. Please carry your ID cards when you are here, you know, otherwise you will not get the entry into the Taj Mahal. And also here you can get the beautiful view, and also look at the crowd. People are here clicking pictures. So we are just proceeding that side. Let's see if we get to see. Come. Minars of Taj Mahal, as you see, are slightly tilted so that it doesn't fall if earthquake comes, and also so that it looks straight when you are looking at it through that gate vertically. So that's it. Let's go and see what we can see here. The Taj Mahal is so beautiful that once you stand before it, you actually get to understand the reason as to why it is considered one of the 7 wonders of the world. So Shah Jahan wanted to make a black Taj Mahal for himself there, but Aurangzeb did not let that happen, and later on Jahanara, his daughter, made his tomb, Shah Jahan's tomb, inside the Taj Mahal after his death. Shah Jahan की फैमिली तो पहले वो लोग अंदर घूमते थे, अंदर जाने के बाद फिर वो लोग यहाँ पे आके बैठते थे। जैसे समय होता था नमाज पढ़ने का तो बगल में मस्जिद है, वहाँ पे जाके वो लोग नमाज पढ़ते थे। तो इसके लिए यहाँ पे नीचे कारपेट बिछाया जाता था, तो वो लोग शाही तरीके से यहाँ पर रुकते हैं, बैठते, रहना खाना सोना वो सब आगरा फोर्ट है यहाँ पे, तो उनके लिए महज रजा मेहमान खाना है। What a beautiful monument. So I was here when I was a kid with my parents. उसके बाद कुछ साल पहले I had come here with Arav, but me, Nirmalo and Arav here at this epitome of love for the first time. So we will enjoy giving this to you in our vlog. Do watch it and enjoy the view of the Taj Mahal. We then proceeded to see a workshop where marble inlay work is done. ये यमन से आता है और यूनिक बेल्जियम से आता है। इस पीस को हम लोग क्या करते हैं भाई, हैंड ग्राइंडर, एक उसी टाइप का हैंड ग्राइंडर, हम लोग शेपिंग देते हैं। शेपिंग के बाद देखिए इस तरह पीस बना लेते हैं छोटा। ये मार्बल मकरान राजस्थान का था, वाइट मार्बल, ये एकदम प्लेन वाइट जैसा हम लोग इसको क्या वाटर कलर करते थे, क्योंकि इसमें वाइट टू वाइट में क्या मार्किंग नहीं आई। ये सारे पीस फिक्स करने के बाद हम लोग इसको मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद सारा पीस निकालने के बाद पूरा डिज़ाइन बन जाता है, इसको उससे काटा जाता है मार्बल को बाई हैंड। 2.5 सेंटीमीटर काटा जाता है, बाद पूरा काटने के बाद इतना देखिए ये इतना डीप कर लेते हैं, ये सारे पीस फिक्स कर देते हैं बाई ग्लू। अच्छा, इसको रबिंग वबिंग पॉलिश करने के बाद देखिए इतना कम्प्लीट पीस हो जाता है। We also checked for you the government approved guide rates and options. अंतर का कुछ नहीं है। अंतर 1800 में क्या होता है फिर? ये 1800 के बीच है ना? हाँ। 3 से 4 घंटे का होता है। 3 से 4 घंटे में तो यही का होगा ना? हाँ, 3-4 घंटे आपका मन करे तो आप ताजमहल घूम लो। तो वैसे मोस्टली ताजमहल 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और आप ये घंटे में देख के आगे 2 घंटे आपके पास बचे हैं, आप किले भी ले जा सकते हो, उनको साथ किला भी घुमा देंगे। टाइम ज़्यादा लगता है तो आप पैसा ज़्यादा देते। वैसे ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है, वेबसाइट पर यूट्यूब डालना, सब कुछ उस पर लिखा हुआ, गाइड भी सब कुछ है एक्स वाई। अच्छा। After seeing the Taj Mahal, we proceeded for lunch at a local restaurant, pretty famous with the tourist fraternity. So we got a recommendation to come at Pinch of Spice for our afternoon lunch. Well, it's not afternoon, it's almost going to be evening, but we are having our lunch now. So let's try out the food here and let's see how it is. We ordered paneer malai tikka, which was way too sweet for a tikka dish. We didn't risk wasting any more money, so we ordered dal tarka, roti and rice. Thankfully, they were normal. After lunch, we drove around Agra Fort. Fort को अंदर से हम काफी बार देख चुके हैं, but Fort को बाहर से ऐसे पहले कभी नहीं घूमे थे। और ताजमहल देख के खाना खा के हम लोग पहुँच गए हैं सदर बाजार। So we are going to do a little bit of shopping here. देखते हैं क्या क्या मिलता है, and then we'll go back to the hotel. सदर बाजार में किड्स मेला लगा हुआ था एंड आरव had a gala time doing his rides on the toy train, remote control jeep and jumping on the trampoline. It was then time to do some shopping. Agra is famous for leatherware, especially footwear. तो जब ऐसे शोरूम्स होते हैं सामने, buying a pair of boots तो बनता ही है. We both got ourselves a pair each from Export Shoe Gallery. You can also get leather jackets, belts, wallets and bags in this shop. Sadar Bazaar is also a famous street food place in Agra. The sidewalks are dotted with stalls selling interesting delicacies. We made our way to Chaat Gali for Agra's famous Aloo Tikki Dahi Chaat at Agra Chaat House. We also had some Suji Golgappe from the shop opposite. After the snack, we continued with street shopping and I purchased 2 pair of jutis for myself and a pair of rabbit slippers for Arav. सदर बाजार में दुकान लगता है 6 बजे से स्टार्ट होता है रात के 12 बजे तक सारा गुडवियर मिलता है इधर. और प्राइस रेंज क्या है? प्राइस 150 रुपए से स्टार्टिंग है, 350 रुपए लास्ट होता है. We hung around the streets of Sadar Bazaar little longer, checking out the offerings, and then around dinner time we headed back to the hotel, which was about 5 kilometers away. We arrived at the hotel to find live puppet show happening at the lobby. Rajasthani folk dance. So that was the vlog for you today, visiting the Taj Mahal and exploring a bit of Agra, which also includes shopping here at Sadar Bazaar. So if you are here at Agra, do visit Sadar Bazaar and do your juti shopping and boots shopping and lot of other stuff you get here. So don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next vlog with other destinations in Agra. Good night. Take care.